वेलकम बैक। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है, आज हम फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जावा एक आइलैंड का नाम है जो इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। आज हम जावा को एक राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड के नाम से जानते हैं, लेकिन एक समय था जब जावा में सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ही पाए जाते थे। जानते हैं फ्रेंड्स, जैसे इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स का राज था, उसी तरीके से इंडोनेशिया में पहले डच कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश्ड था। ब्रिटिशर्स की तरह डच भी जावा के फॉरेस्ट से टिम्बर कलेक्ट करना चाहते थे ताकि स्ट्रॉन्ग शिप्स और रेलवेज बनाए जा सके। आज के टॉपिक की मदद से हम लोगों को पता चलेगा कि आखिर जावा के फॉरेस्ट में किस तरीके से बदलाव आए। इसीलिए फ्रेंड्स, पूरी एनर्जी के साथ आज का लेक्चर शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, जावा में बहुत सारी फॉरेस्ट कम्युनिटीज थी, जैसे कि द कलांग्स, स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी थे, और इसीलिए इस टॉपिक का नाम है द वुड कटर्स ऑफ जावा। जानते हैं, कलांग्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे, इतने कि 1755 में जब जावा में एस्टैब्लिश्ड माताराम किंगडम स्प्लिट हुआ, तब 6000 कलांग फैमिलीज को भी दोनों किंगडम के बीच डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि कलांग्स के बिना किंग के लिए पैलेस बनाना और टीक हार्वेस्ट करना इम्पॉसिबल था। जब 18th सेंचुरी में डच ने जावा के फॉरेस्ट पर अपना कंट्रोल जमा लिया, तब उन्होंने कलांग से अपना काम कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कलांग नहीं माने और कलांग ने मिलकर डच पोर्ट पर अटैक कर दिया। इस पर रिएक्ट करते हुए डच ने अपनी आर्मी की मदद से इस रिबेल को उसी समय सप्रेस कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में। ब्रिटिशर्स की तरह डच ने भी जावा के फॉरेस्ट में फॉरेस्ट लॉज लागू किए। फॉरेस्ट लॉज के बाद बहुत से बदलाव आए, जैसे कि नंबर 1, विलेजर्स के फॉरेस्ट यूज पर बैन लगा दिया गया। विलेजर्स को अगर फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करनी होती तो बिना किसी स्पेसिफिक पर्पस के वो वुड नहीं कलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि अपना घर बनाना और रिवर बोट्स बनाना। रीजन नंबर 2, ग्रेजिंग पर भी बैन लगा दिया गया। रीजन नंबर 3, फॉरेस्ट रोड्स पर हॉर्स कार्ट या फिर कैटल के साथ ट्रैवल करने की परमिशन भी नहीं दी गई। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इंडियन फॉरेस्ट लॉज और इंडोनेशियन फॉरेस्ट लॉज में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों ही केसेस में ब्रिटिशर्स और डच शिप्स और रेलवेज बनाने के लिए टिम्बर की प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते थे। इनफैक्ट 1882 में जावा से 280,000 स्लीपर्स एक्सपोर्ट किए गए। इसके अलावा दोनों ही केसेस में ब्रिटिशर्स और डच ने फॉरेस्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए फॉरेस्ट सर्विस स्टार्ट की। डच ने एक नया सिस्टम भी बनाया जिसका नाम था बलैंगडोन डीएनस्टेन। स्टूडेंट्स, जितना नाम मुश्किल है उतना सिस्टम नहीं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग डच ने फॉरेस्ट की उन लैंड पर रेंट इम्पोज किया जिन पर कल्टीवेशन होती थी। कुछ विलेजेस को इस रेंट से एग्जेम्प्ट भी किया गया, लेकिन एक शर्त पर कि वो सब मिलकर फ्री लेबर और बफलोस प्रोवाइड करेंगे टिम्बर कटिंग और टिम्बर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। थोड़े ही समय बाद रेंट एग्जेम्प्शन की जगह डच ने विलेजर्स को स्मॉल वेजेस देना शुरू कर दिया था, लेकिन फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेट करने की परमिशन फिर भी नहीं दी गई। फ्रेंड्स, अराउंड 1890s के आसपास सुरोंतिको सामिन, जो कि टीक फॉरेस्ट विलेज से बिलोंग करते थे, उन्होंने स्टेट ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट पर सवाल उठाया। सामिन ने कहा कि स्टेट ने वुड, विंड, वाटर और फॉरेस्ट को तो बनाया नहीं है, तो फिर किस राइट से स्टेट फॉरेस्ट को कंट्रोल कर रही है। सामिन के इस सवाल ने जावा के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो अपने राइट्स के लिए फाइट क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर वो
फॉरेस्ट लॉज को आंख बंद करके फॉलो क्यों कर रहे हैं? सामन की आइडिया से इंस्पायर होकर जावा के लोगों ने मिलकर डच के अगेंस्ट फाइट किया। फ्रेंड्स, ये तो थी जावा की कहानी। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर वॉर्स ने फॉरेस्ट को किस तरीके से अफेक्ट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने फॉरेस्ट को बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर इंडिया की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने अपनी वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत से पेड़ काटे, इससे पहले कि जापानीज जावा को ऑक्यूपाई कर पाते, डच ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का यूज किया। इस पॉलिसी के मुताबिक डच ने सभी सौ मिल्स, वुड वेयरहाउसेस और फैक्ट्रीज को जला दिया, ताकि जब जापानीज जावा को ऑक्यूपाई कर ले तब उनके हाथ कुछ भी ना लगे। लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी जब जापानीज ने जावा को ऑक्यूपाई कर लिया तो उन्होंने अपनी वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए जावा के फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए। आज सिचुएशन काफी बदल गई है दोस्तों। 1980 के बाद से ही एशिया और अफ्रीका की गवर्नमेंट ने ये रियलाइज कर लिया था कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से और फॉरेस्ट कम्युनिटीज को फॉरेस्ट से दूर रखने में कोई फायदा नहीं है। अगर फॉरेस्ट को सच में प्रिजर्व करना है तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज को फॉरेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि टिम्बर प्रोडक्शन से पहले हमें फॉरेस्ट प्रिजर्व करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि फॉरेस्ट भी मैनेज हो जाए और लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी ना हो। लर्नर्स, अब हमने इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इस तरीके से रिवाइज करेंगे कि आप कभी भी इस चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। PuStack चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सर्कल पर क्लिक कीजिए, इससे आपको हमारी वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब PuStack चैनल की ऐप भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और PuStack की ऐप को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।